और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ द हिंदू वोकैबुलरी के बारे में, यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर से डेली वोकैबुलरी हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है त्रिवेदी अमन 25, जहाँ पर मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तो आप फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @AmanTrivedi, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, और वहाँ पर मैं डेली वीडियो की PDF और डेली असाइनमेंट देता हूँ। इसके अलावा मेरा ब्लॉग है amantrivedi.com, जिस पे आप लॉगिन कर सकते हो और सीधे सीधे आप डेली असाइनमेंट और वीडियो की PDF देख सकते हो। वहाँ पर मैं डेली असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होता है, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस आपको डेली देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाता। तो अगर आपको वो प्रैक्टिस करना है तो आप amantrivedi.com को लॉगिन करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसे मैं कंटिन्यू रखूँ, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम अपने एक या दो फ्रेंड्स को शेयर करने की आदत डाल लीजिए। दो फ्रेंड्स को आप शेयर कर देंगे तो इससे काफ़ी एटलीस्ट हम दो दो लोगों तक पहुँच पाएंगे और बेहतर तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत हो पाएंगे और इस तरीके से इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लगता है कि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी ये मदद कर सकता है, तो सिर्फ 2-3 लोगों को तक शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां कहीं भी आप कनेक्टेड हो, प्लीज लोगों तक पहुंचाइए इसे, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि आपने समझ में आया, तो प्लीज वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप अटेंडेड लिख दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आपने ये वीडियो देखा है और आपको इससे फायदा हुआ है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिएगा और ये हैबिट बना लीजिए कि डेली आपको वीडियो देखना है और एंड में आपको अटेंडेंट लिखना है, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि आपने ये वीडियो देखा है। इसके अलावा अगर आप अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दो मेरे कोर्सेज हैं, ये कोर्स मेरा आज से शुरू हो रहा है 20 अगस्त से, ये कोर्स 16 अगस्त से शुरू है, ये सीजल 2019 के लिए है और इसमें मैं आपको ज्योमेट्री के 200 MCQs करवाने वाला हूं और इस बैच में मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद 12 मंथ का ऑप्शन होता है, यहाँ पर 5,000 रुपये कॉस्ट होती है, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रिफरल कोड डाल सकते हैं अमन त्रिवेदी और अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्रेडिट्स का ऑप्शन होगा, आप इसे अप्लाई करेंगे। इन दोनों चीज़ों को जब अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ से और 10% डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा, तो टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है, 5,000 से घटकर आपकी 4,500 या उससे भी कम हो सकती है अगर आप मेरा रिफरल कोड यूज़ करेंगे तो। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस इफ यू वांट टू वॉच द लाइव सेशंस एंड बाकी जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी के बारे में। तो ये है आज का न्यूज़पेपर और इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट दिस विद द फर्स्ट वर्ड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट यहाँ पर कहते हैं, सॉरी, SC डिसमिसेज प्ली बाय तरुण तेजपाल, SC dismisses plea by Tarun Tejpal to quash charges of rape. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है तरुण तेजपाल की प्ली। प्ली कहते हैं हम उसे, आपके जैसे आपने देखा होगा अपील करते हैं, प्ली मतलब रिक्वेस्ट एक तरीके से, या आप पिटीशन कह सकते हैं जो कोर्ट में दायर की जाती है। डिसमिस कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जिसमें उनके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो चार्जेस ऑफ रेप हैं वो क्वैश कर दिए जाएं, वो ख़त्म कर दिए जाएं। तो क्वैश का मतलब क्या होता है जानते हैं, वर्ड है आपका क्वैश। क्वैश होता है आपका, इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है टू ऑफिशियली से दैट अ डिसीजन मेड बाई कोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड और करेक्ट, या इसे आप ओवरटर्न भी कह सकते हैं। यानी कि क्वैश कर देना कोई लॉ, कोई कानून, कोई कोर्ट का डिसीजन, आपने उसे क्वैश कर दिया, कहने का मतलब हो गया आपने उसे पूरी तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया, आपने कहा ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, और उन्हें फॉल्स बता के पूरी तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर देना, इनवैलिड घोषित कर देने के लिए आता है आपका क्वैश, ठीक है। इसके आगे देखिए लिखते हैं, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पासेज अवे, तो पास अवे का मतलब होता है डेथ होना किसी की। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा गेट्स 3-year एक्सटेंशन, उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। साई प्रणीत प्रणॉय एंटर सेकेंड राउंड एट वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो सेकेंड राउंड पे पहुंच गए। इसके आगे देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ ये कहते हैं डेथ टोल 38 एज रेन लैशेज नॉर्दर्न स्टेट्स,
यहाँ पर वर्ड आया है आपका लैशेज, तो देखिए क्या मतलब होता है लैश का। लैश क्या है? लैश इज अ वर्ब बेसिकली। लैश क्या है? लैश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हिट समबडी समथिंग विद ग्रेट फोर्स या पाउंड, किसी को बहुत कस के हिट करने के रिलेटेड भी आता है हिट। फॉर एग्जाम्पल द रेन लैश्ड एट द विंडोज, तो लैश का इस्तेमाल मोस्टली आप रेन के सेंस में देखते हैं कि जैसे यहाँ पर भी यूज हुआ है कि रेन लैश्ड एट विंडोज, तो मतलब यहाँ पर इसी सेंस में आया है कि डेथ टोल 38 एज रेन लैशेज नॉर्दर्न स्टेट्स, यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स में रेन ने क्या किया है, लैश किया है, बहुत कस के बारिश हुई है। तो लैश का मतलब होता है बारिश होना किसी इलाके में बहुत कस के। लैश का एक मतलब ये भी होता है टू हिट अ पर्सन और एन एनिमल विद अ विप, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को कोड़ों से मारने के सेंस में भी आता है लैश। ऑलराइट, अगला वर्ड आपका आता है लैश आउट। लैश आउट क्या है? लैश आउट एट समबडी और समथिंग, क्या मतलब हुआ लैश आउट एट समबडी और समथिंग? लैश आउट एट समबडी और समथिंग का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी इन एन एंग्री वे, किसी व्यक्ति को बहुत ही गुस्से में क्रिटिसाइज करना, पूरी गुस्से में तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए आता है लैश आउट एट समबडी और समथिंग। इसके सिनोनिम्स आप जरूर से याद रखिएगा। लैश आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल लैश आउट, हिट आउट, लैम्बास्ट, कास्टिगेट, रिब्यूक, रेप्रीमांड, क्रिटिसाइज, फ्ले, पुल अप, चाइड एंड चेस्टाइज एंड स्लैम, ये सारे आपके वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है लैश आउट करना, मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को पूरी तरीके से, बहुत कस के क्रिटिसाइज करने के सेंस में आता है लैश आउट करना। ठीक है, अगला आता है लैश आउट ऑन समथिंग। लैश आउट ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है? लैश आउट ऑन समथिंग का मीनिंग होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग, किसी चीज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग, किसी चीज पे अत्यधिक पैसा खर्च करने के लिए आता है लैश आउट ऑन समथिंग। ठीक है, तो लैश आउट ऑन समथिंग का मतलब हो गया टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग। चलिए अगला देखिए, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं। रिड्यूस टेंशंस विद पाकिस्तान ट्रंप, ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ में जो तनाव हो रहा है उसे खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक्सट्रीम रिटोरिक एंड इंसाइटमेंट टू एंटी इंडिया वायलेंस बाय सर्टेन लीडर्स वोंट हेल्प, यानी कि एक्सट्रीम रिटोरिक अगर आप देंगे और आप इंसाइट करेंगे इंडिया को एंटी इंडिया वायलेंस को वॉइस को, तो सर्टेन लीडर्स की वो मदद नहीं करेगा किसी की भी। तो देखिए आगे क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो रेटोरिक वर्ड आया है, रेटोरिक को जानते हैं। रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक इज अ नाउन, कहने का मतलब होता है स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का वाक्य, कोई स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मोस्टली ये होता है, जैसे कोई जैसे इमरान खान बार बार रिटोरिक्स दे रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तमाम चीज़ें जो वो बोलते हैं दीज आर कॉल्ड रिटोरिक्स। तो ये कैसे एक्सट्रीम रिटोरिक्स हैं कि वो भारत पे हमला करने वाले हैं, ये जो तरीके के रिटोरिक्स हैं दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम रिटोरिक्स। ठीक है, तो इस रिटोरिक का एक मतलब द स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन स्पीच और राइटिंग इन ए स्पेशल वे दैट इन्फ्लुएंसेस और एंटरटेन्स पीपल, ये भी होता है एलोक्वेंस या ओरेटरी भी कहते हैं, मतलब एक अच्छी कला, बोलने की अच्छी कला को भी हम रिटोरिक कहते हैं, एलोक्वेंस या ओरेटरी। ठीक है, इसके अलावा वर्ड यहाँ यूज हुआ था इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट वर्ड बनता है आपका इंसाइट से, जिसका मतलब होता है भड़काना। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ टू कॉज समवन टू एक्ट इन एंग्री हार्मफुल और वायलेंट वे, किसी को भड़का देना कि वो कुछ एंग्री और हार्मफुल और वायलेंट एक्शन ले ले। सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हैं स्टिरअप करना, अबेट, ब्रू, फर्मेंट, फोमेंट, इंस्टिगेट, पिक, प्रोवोक, रेज, विप अप एंड सेट इन मोशन, ये सारे वर्ड्स इसके हैं। स्टिरअप अबेट ब्रू, फर्मेंट, फोमेंट, इंस्टिगेट, पिक, प्रोवोक, रेज, विप, विप अप एंड सेट इन मोशन, ये सारे आपके आप इनसाइट इसके साथ के वर्ड सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कन्वेड, कन्वे मतलब मैसेज को कन्वे करना, पहुंचाना, कन्वेड इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड मेंटेनिंग पीस इन द रीजन। द टू लीडर्स ऑल्सो डिस्कस्ड वेज टू स्ट्रेंथन द यूएस इंडिया इकोनॉमिक टाइज थ्रू आउट इंक्रीज ट्रेड। यहाँ पर कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल सिचुएशन द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट एक्सट्रीम रिटोरिक एंड इंसाइटमेंट टू एंटी इंडिया वायलेंस by certain leaders in the region were not conducive to peace. तो conducive का मतलब क्या होता है? Conducive का मतलब होता है आपका conducive salubrious, word होता है conducive salubrious, तो ये आता है आपका किस सेंस में कि conducive है this the जो माहौल बन रहा है that is conducive to study. Conducive मतलब वो helpful है और वो आपकी मदद करने में मदद जो आपकी पढ़ाई करने में मदद करेगा, तो conducive is something which is helpful to you.
ठीक है। कंड्यूसिव का मतलब हो गया जो आपके लिए, आपकी किसी प्रकार की सिचुएशन के लिए बेहतर होना। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कंड्यूसिव टू पीस। कंड्यूसिव टू पीस का मतलब हो गया कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो पीस के लिए, शांति के लिए ठीक नहीं है। तो कंड्यूसिव टू समथिंग, बेसिकली जो कंड्यूसिव इस्तेमाल होता है ये इसीलिए होता है कंड्यूसिव टू समथिंग। जैसे कंड्यूसिव टू लर्निंग, द एम्बियंस इज कंड्यूसिव टू लर्निंग, वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच इज कंड्यूसिव टू पीपल, या कंड्यूसिव टू बिजनेस, यानी कि जिससे बिजनेस में आसानी हो, बिजनेस में ईज हो। तो कंड्यूसिव का मतलब हो जाता है हेल्पफुल होना। ठीक, आगे देखिए, लिखते हैं यमुना क्रॉसेस डेंजर मार्क, ओल्ड ब्रिज क्लोज्ड, उसे बंद कर दिया गया है। एनआरसी इशू मे बी टैकल्ड वाया लेजिस्लेटिव रूट, तो टैकल मतलब किसी चीज परिस्थिति से सामना करना, उसको मैनेज करना। असम चीफ मिनिस्टर सेज एनी डिसीजन कैन बी टेकन आफ्टर द लिस्ट इज पब्लिश्ड ऑन August 31। अटेंडेंस थिन एज JNK स्कूल्स रीओपन, टॉप लीडर्स रिमेन अंडर डिटेंशन, मतलब उन्हें कैद करके रखा गया है। अटेंडेंस थिन मतलब बहुत कम। ठीक है, अगला देखिए, लिखते हैं अपोजिशन स्लैम्स भागवत फॉर रिजर्वेशन रिमार्क। तो स्लैम का भी मतलब देखिए, जहां पर मैंने आपको लैश आउट के सिनोनिम्स बताए थे वहां पर मैंने स्लैम भी लिखा हुआ था। स्लैम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो अपोजिशन ने भागवत को उनके रिजर्वेशन रिमार्क्स के लिए बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज किया है, पूरी तरीके से धुतकारा है। इट इज एन अननेसेसरी रॉ। तो देखिए, रॉ के तीन मतलब होते हैं आपके। रॉ के देखिए, एक मतलब होता है आपका पंक्ति, जिसे आप क्यू कहते हैं। एक रॉ का मतलब होता है आपका, एक तो मतलब हो जाता है आपका पंक्ति, दैट इज कॉल्ड क्यू। ठीक है, दूसरा रो का मतलब हो जाता है डिस्प्यूट, जो कि यहां पर है, कहा कि अननेसेसरी रो, यानी कि एकदम अननेसेसरी है, इट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड। इसके अलावा तीसरा मतलब हो जाता है रो का, एक तो क्यू हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया, और तीसरा मतलब इसका हो जाता है आपका टू सेल बोट। तो तीन मतलब होते हैं रो के आपके, एक होता है क्यू, जब रो बोल, जब डिस्प्यूट वाला होता है तब आप राव पढ़ते हैं इसको, रो नहीं पढ़ते हैं, जब क्यू वाला होता है तब इसे रो पढ़ते हैं। ठीक है, कश्मीरी डॉक्टर डिनाइड रूम इन सिटी, मना कर दिया गया। डिनाइड मतलब मना करना, CBI 14 डेज मोर, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। यहां पर कहते हैं रेजिडेंट्स इन यमुना फ्लड प्लेन्स अर्ज टू मूव टू सेफ्टी, केजरीवाल सेज गवर्नमेंट रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन एज रिवर ब्रीचेस डेंजर मार्क। तो ब्रीचेस का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, किसी कानून को तोड़ना, किसी मार्क को तोड़ना, उस सेंस में आया। फ्लड प्लेन्स अर्ज्ड टू मूव टू सेफ्टी, तो अर्ज्ड मतलब उनसे एडवाइस किया गया है। अर्ज का मतलब होता है टू एडवाइस और ट्राई हार्ड टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, यानी कि उनसे अर्ज किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई, उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो लोग वहां से चले जाएं। लिखते हैं सेविंग वेजिटेबल्स प्लांट्स बिफोर द स्वेलिंग रिवर डिवाउर्स इट ऑल, यानी कि वो अपनी सब्जियां और पेड़ों को बचा रहे हैं बिफोर द स्वेलिंग रिवर डिवाउर्स इट ऑल। तो देखिए, जानते हैं यहां पर आपका कि स्वेलिंग का, स्वेल का मतलब क्या होता है। देखिए, स्वेल आपका नाउन भी है और स्वेल आपका वर्ब भी है। तो देखो, एक तो स्वेलिंग का मतलब होता है टू बिकम बिगर और राउंडर, जैसे कि आपके हाथ में चोट लग जाती है या किसी का हाथ टूटता है या कुछ भी अंग में आपके चोट लगती है तो वो स्वेल, वो एरिया स्वेल कर जाता है, यानी कि वो एरिया ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग, जिससे आपके वो एरिया ऊपर उठता है उसे कहते हैं स्वेलिंग। दूसरा स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज और मेक समथिंग इंक्रीज इन नंबर और साइज, किसी भी चीज की संख्या का बढ़ना, चाहे वो पानी का बढ़ना हो, वो फोन कॉल्स का बढ़ना हो, लेटर्स का बढ़ना हो, किसी भी चीज का बहुत अगर संख्या में बढ़ रही है तो उसे आप कह सकते हैं दिस इज स्वेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गंगा इज स्वेलिंग, तो मतलब गंगा में पानी बढ़ रहा है। यहां पर लिख रहे हैं स्वेलिंग रिवर, मतलब जो रिवर में पानी है वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स were swelled by a fall in production cost, यानी कि अगले साल के जो प्रॉफिट हैं, पिछले साल के जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ गए हैं by a fall in production cost, क्योंकि production cost में काफ़ी गिरावट आई है। तो यहाँ पर swell का मतलब हुआ बढ़ना profit का। ठीक, swell का एक और मतलब होता है to be filled with strong emotion, किसी भावना का बहुत ही strong emotion से भर जाने के लिए भी आता है swell। मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे, हर हर्ट स्वेल्ड एज शी टर्न्ड टू फेस हिम, यानी कि उसका जो हर्ट था, उसका जो दिल था, वो एकदम पूरी तरीके से भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, लबरेज हो गया, भर गया जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ी। ठीक है, तो स्वेल का मतलब होता है पूरी तरीके से भर जाना। आगे बोलते हैं, एज द रिवर डिवाइड स्वेल बिफोर द रिवर
रिवर डिवाउर्स इट ऑल. डिवाउर का मतलब क्या होता है? अब डिवाउर इज अ वर्ब, मीनिंग हो जाता है टू ईट ऑल ऑफ समथिंग क्विकली स्पेशली बिकॉज यू आर वेरी हैंगरी, या जिसे आप गॉबल भी कह सकते हैं, या ठूस ठूस के खाना. कहने का मतलब अगर आपको बहुत तेजी से भूख लगी है तो आप ठूस ठूस के अगर खा रहे हैं तो उसे भी कह सकते हैं आप डिवाउर करना. ठीक है, दूसरा डिवाउर का मतलब क्या हो जाता है? ही डिवाउर्ड हाफ ऑफ हिज बर्गर इन वन बाइट, यानी कि उसने बर्गर का आधा टुकड़ा एक बाइट में ही खा लिया, यानी कि बहुत तेजी से उसने उसको खाया. ये कहने का मतलब उसका हो जाता है डिवाउर का मतलब, ही डिवाउर्ड हाफ ऑफ हिज बर्गर इन वन बाइट, यानी कि आधा बर्गर उसने एक बार में ही ठूस लिया. दूसरा मतलब इसका हो जाता है टू रीड और लुक एट समथिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट या बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म से पढ़ना या फिर देखना. फॉर एग्जाम्पल, शी डिवाउर्ड एवरीथिंग शी कुड ले हर हैंड्स ऑन, बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, यानी कि वो हर चीज, वो पर्ची ध्यान से पढ़ लेती है, जो भी चीज उसके हाथ लगती है, फिर चाहे वो बुक्स हों, आपके मैगजीन्स हों या न्यूज़पेपर्स हों. तीसरा और जो मीनिंग यहां पर इसका है, कह रहा ना कि द स्वेलिंग रिवर डिवाउर्स इट ऑल, तो यहां पर इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय समथिंग समबडी, या इसका मतलब हो गया एंगल्फ, यानी कि इससे पहले रिवर उसको अपनी चपेट में ले ले और पूरी फल फसल को बर्बाद कर दे, वो कोशिश कर रहे हैं उसको सही करने का. तो फ्लेम्स डिवाउर्ड द हाउस, यानी कि फ्लेम्स ने जो हाउस है उसको एंगल्फ कर लिया, पूरी तरीके से कवर कर लिया. यहां लिखता है बी डिवाउर्ड बाई समथिंग. बी डिवाउड बाई समथिंग का मतलब होता है टू बी फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट सीम्स टू कंट्रोल यू, यानी कि किसी भावना से ओतप्रोत होना. शी वॉज डिवाउड बाई एनवी एंड हेट्रेड, यानी कि वो एनवी और हेट्रेड से भर गई थी. ठीक, आगे देखिए, लाइफ कंटिन्यूज अनहिंडर्ड ऑन घाट्स, यानी कि लाइफ बिना रुके चल रही है. अनहिंडर्ड मतलब, हिंडर मतलब होता है किसी में बाधा आना, अनहिंडर मतलब बिना बाधा के चल रही है. Our problem is the silt where the water will leave behind it receive when it recedes. तो वॉट, पानी के पीछे जाने को आता है वर्ड रिसीड करना, मतलब पानी जब पीछे जाएगा तो जो सिल्ट छोड़ के जाएगा वो हमारी समस्या है. Over a dozen projects to clean Yamuna get BJP nod. Nod का मतलब होता है, nod का मीनिंग होता है किसी की सहमति आना. Nod is called agreement. जैसे आपको अप्रूवल मिल गया, तो nod उस सेंस में आता है किसी चीज़ का अप्रूवल में मिलने के सेंस में. ठीक है, तो किसी भी चीज का अप्रूवल मिलने के लिए आता है आपका नॉड. करेक्ट. इसके अलावा ग्रीन लाइट टू सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स, उन्हें ग्रीन लाइट कहने का मतलब है उन्हें भी अप्रूवल मिल गया है. ग्रीन लाइट का मतलब यहाँ पे यही है. स्पाइस जेट अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करने वाला है. सेल्टार कंपनीज टू गेट सो कॉज नोटिस, यहाँ पर आपका कोई ऐसा वर्ड नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ लिखते हैं मैन थ्रेसेस सीनियर सिटीजन मॉलेस्ट हिज डॉटर. थ्रेसेस मतलब होता है पीटना बुरी तरीके से किसी को, मॉलेस्ट करना किसी को, सेक्सुअली असॉल्ट करना. अक्यूज्ड अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आल्सो रफ्ड अप सेक्सीजेनेरियंस फैमिली मेंबर्स. तो आल्सो रफ्ड अप मतलब उन्हें परेशान किया, उन्हें मॉलेस्ट किया. द सेक्सीजेनेरियन मतलब जो व्यक्ति 60s में है अपने, ठीक है, उसको कहते हैं आपका सेक्सीजेनेरियन. ठीक है, सेप्टोजेनेरियन मतलब जो 70s में है अपने. ओके, तो यहाँ पर वर्ड आ गया आपका रफ अप. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज आपका रफ समबडी अप का मतलब क्या होता है? टू हर्ट समबडी बाई किकिंग दम. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रफ अप का मतलब ROUGH अप. रफ अप का मतलब होता है टू हर्ट समबडी बाई हिटिंग ऑन और किकिंग दम. टू हर्ट समबडी बाई हिटिंग और किकिंग दम, किसी को पीटना या किसी को बुरी तरीके से मारने के लिए आता है रफ अप करना. ठीक, आगे लिखते हैं ओयो डिनाइज रूम टू कश्मीरी साइट्स व्हाट्सएप टेक्स्ट फॉर गवर्नमेंट्स रीजन. तो साइट्स का मतलब होता है उसने ऐसा कहा, तो साइट का मतलब हुआ कहना, और SIGHT का मतलब होता है जैसे नजर, जैसे माई आई साइट इज वीक, तो ये आई साइट का मतलब होता है नजर, और ये साइट मतलब होता है कहना. ठीक है, NCCI writes to Modi seeking relief for SMEs, और यानी कि उन्होंने उसकी SMEs के लिए रिलीफ मांगा है, राहत मांगी है. इसके बाद अगला कहता है SCC centers response to plea seeking same legal age for marriage. तो यहाँ पर भी ऐसा कोई खास वर्ड नहीं है आपका. अगले वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा न्यूज है पंजाब swamped by deluge. तो वर्ड है यहाँ पर पंजाब जो है swamped by deluge है. तो वर्ड आपका आता है swamp और deluge. तो swamp का मतलब क्या होता है? Swamp is a verb, meaning होता है to fill or cover something with a lot of water. किसी चीज को बहुत अधिक पानी से भर देना. ठीक, swamp का मतलब हुआ to fill or cover something with a lot of water. किसी चीज में बहुत ज्यादा पानी आ जाना, engulf कर देना. The little boat was swamped by the waves. तो यहाँ पर क्या हुआ? पंजाब जो है बाढ़ से पूरी तरीके से भर गया है, पूरी तरीके से affected है.
तो सीएम इंस्पेक्टेड अफेक्टेड एरियाज, याद रखिए ये इफेक्ट देख रहे हैं आप, इसकी वर्ब बन रही है, तो यानी कि ये क्या है होता है बेटा, वर्ब होता है, और ये वाला जो इफेक्ट होता है ये नाउन होता है, याद रखेंगे इसे। तो रीजन टीम्स फॉर जालंधर यानी कि पीएमसी और डिजास्टर रिस्पांस टीम्स फॉर इन जालंधर, डिजास्टर रिस्पांस टीम जो है वो जालंधर में है। स्पर्ट इन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक केसेस इन यूपी, 3 dozen FIRs रजिस्टर्ड सिंस August 1, एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस एफिकेसी ऑफ न्यू लॉ। तो यहां पर वर्ड आता है आपका एफिकेसी और डिल्यूज और स्पर्ट। तो डिल्यूज का मतलब क्या है, डिल्यूज इज अ वर्ब एंड नाउन, मतलब हुआ टू सेंड और गिव समबडी समथिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग। देखो एक तो मतलब फ्लड और इनंडेट हुआ, दूसरा मतलब जैसा आपको मैंने बताया था स्वेल वाले में, वही मतलब यहाँ पे भी है कि एक जगह पर बहुत बड़ी संख्या में किन्हीं चीजों का पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डिल्यूज्ड विथ फोन कॉल्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा उसके पास बहुत ज्यादा नंबर में फोन कॉल्स आ रही थी, फ्रेंड्स और कलीग्स के द्वारा बहुत अधिक संख्या में फोन कॉल्स आ रही थी, इस सेंस में आया डिल्यूज आपका, टू सेंड और गिव समबडी समथिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अगला वर्ड आया है एफिकेसी। एफिकेसी क्या है, एफिकेसी इज अ नाउन, कहने का मतलब हुआ द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स दैट आर वांटेड, या जिसे आप कह सकते हैं इफेक्टिवनेस, यानी कि एक्सपर्ट जो हैं उस लॉ की इफेक्टिवनेस को क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफेक्टिव है भी या नहीं जो ट्रिपल तलाक हमने लॉ बनाया है। टू इवेल्युएट द एफिकेसी एंड सेफ्टी द ट्रीटमेंट, टू इवेल्युएट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि हमें एफिकेसी जो ट्रीटमेंट है उसकी एफिकेसी को देखना पड़ेगा कितना इफेक्टिव है। स्पर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना, टू बर्स्ट और पार आउट सडनली, अचानक से किसी चीज का बढ़ना, तो नाउन और वर्ब है ये भी। इन स्पर्ट्स क्या है आपका, इडियमेटिक है, इसका मतलब हो जाता है इन शॉर्ट पीरियड और पीरियड्स ऑफ ग्रेट एक्टिविटी पावरफुल मूवमेंट एटसेट्रा रादर देन इन स्टेडली कंटिन्यूज वे, यानी कि किसी चीज में दौड़ते हुए जाना। द वाटर केम आउट ऑफ द टैप इन स्पर्ट्स, यानी कि बहुत तेजी से पानी बाहर आया, इस सेंस में आता है आपका इन स्पर्ट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है किन ऑफ बोट कैप्साइज, किन ऑफ बोट कैप्साइज विक्टिम्स अक्यूज अथॉरिटी ऑफ अपैथी। तो यहाँ पर वर्ड आता है आपका किन, किन का मतलब होता है सगे संबंधी रिलेटिव। ऑफ बोट कैप्साइज विक्टिम्स, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, अथॉरिटीज मतलब जो लोग हैं अथॉरिटी में, अपैथी मतलब देखते हैं। तो रेस्क्यू बोट्स वर नॉट सेंट इन टाइम, से विलेजर्स ने कहा है कि जो रेस्क्यू बोट है उसे समय से नहीं भेजा गया था। तो वर्ड आया है कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है डूबना, किसका, बोट का। ड्राउन मतलब होता है व्यक्ति का डूबना, सिंक होता है शिप का डूबना, तीनों का मतलब है डूबना लेकिन अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है बोट का डूबना कैप्साइज, ड्राउन पर्सन का डूबना, सिंक शिप का डूबने के लिए आता है। फ्लाउंडर का मतलब होता है जिसे आपको अगर तैरना नहीं आता और आपको पानी में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, यू विल स्ट्रगल टू मूव आउट ऑफ द वाटर और मड, इसको बोलते हैं फ्लाउंडर, मतलब छटपटाने के लिए आता है फ्लाउंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी इज फ्लाउंडरिंग, मतलब कंपनी छटपटा रही है सर्वाइव करने के लिए, तो फ्लाउंडर मतलब होता है छटपटाना। अगला आता है एपैथी, एपैथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बींग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, या जिसे आप डिसइंटरेस्टेड भी कह सकते हैं, अपैथेटिक होना किसी चीज को लेकर, कहने का मतलब हुआ द फीलिंग ऑफ नॉट बींग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर आप एंथुजियास्टिक नहीं है और आप बहुत ही ज्यादा अपैथेटिक हैं, उसे कहते हैं आपका अपैथी। ठीक है, यानी कि डिसइंटरेस्टेड, आपका उस बहुत ही उदासीन है उसे लेकर, उसे कहते हैं आपका अपैथी, जिसे आप थिक स्किन्ड भी कह सकते हैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटीज ने सिंपथी नहीं दिखाई, उन्होंने उदासीनता दिखाई है। सिंपथी मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर समबडी, शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट समबडीज प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपकी कोई समस्या और आप मुझे बता रहे हो तो मैं उसके लिए सिंपथी शो कर रहा हूं, यानी कि मैं ये दिखा रहा हूं कि हाँ मैं भी आपकी समस्या को समझ रहा हूं, फील कर रहा हूं। एंटीपैथी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, मतलब वैमनस्यता, दुश्मनी। हाँ, वर्ड आया है यहाँ पर अथॉरिटीज, तो देखिए जानते हैं यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका अथॉरिटी, दूसरा होता है अथॉरिटीज। अथॉरिटी जो होता है द पावर टू, इट इज द पावर टू गिव ऑर्डर, जैसे कि आई डू नॉट हैव अथॉरिटी टू गिव यू मोर देन 10% डिस्काउंट्स ऑन अन अकेडमी, सो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी, मतलब किसी चीज, किसी की पावर होना किसी व्यक्ति के पास ऑर्डर देने की। तो ये जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक, लेकिन ये जो अथॉरिटीज है ये काउंटेबल है, यहां पर आप देख ही रहे हैं इसका प्लूरल बना हुआ है, ये तब होता है, यानी कि अथॉरिटीज कब हो सकता है, अथॉरिटी काउंटेबल भी हो सकता है आपका,
यहां पर अथॉरिटी जो है वो काउंटेबल भी होता है। ये कब होता है? जब आप कहते हो द पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द पावर टू मेक डिसीजन और हु हैव अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ कंट्री और रीजन। जैसे कि वेन आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट द अथॉरिटीज स्टॉप्ड मी। ठीक, मैंने क्या कहा? वेन आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट द अथॉरिटीज स्टॉप्ड मी। तो मतलब वो लोग जो कि पावर में हैं, जिनकी वहां पर अथॉरिटी है, जो लोग जिनकी वहां पर जिम्मेदारी है, पुलिस के लोगों ने मुझे रोका। तो अथॉरिटीज का मतलब होता है द पीपल हु आर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हु मेक द डिसीजन। एंड अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू गिव ऑर्डर्स। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल इडियम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं हैव समथिंग ऑन अ गुड अथॉरिटी। टू हैव समथिंग ऑन अ गुड अथॉरिटी का मतलब होता है टू बी एबल टू बिलीव समथिंग बिकॉज यू ट्रस्ट द पर्सन हु गेव यू द इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप किसी को समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उसको ट्रस्ट करते हैं और आप उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हैं। आई गेव इट ऑन अ गुड अथॉरिटी दैट ही इज़ गोइंग टू बी प्रमोटेड। यानी कि मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि वो प्रमोट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। तो वी विल कीप इट टिल हियर। आगे के लिए कल तक जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस को। हम रोज़ इसी तरीके का एक वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर मत करना मत भूलिएगा और कमेंट में अटेंडेड लिखना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।